सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों हॉर्नेट प्ले में एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट हुए कई दिन हो गए और मैंने इसमें दो वीडियो भी बना दिया है कि जो था एक पबजी गेमिंग रिव्यू और कैमरे का रिव्यू और एक था इसमें एंड्रॉइड 9 पाई अपडेट का रिव्यू। लेकिन इस अपडेट के आने के बाद से भी कुछ फीचर्स जो है अभी मिसिंग है क्योंकि कंपनी को ये इस अपडेट में वो फीचर्स देने चाहिए थे। तो ये वीडियो थोड़ी उन दोनों वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ EMUI 9 और EMUI 8 के मिला जुला के जो टॉप फीचर्स स्पेशल फीचर्स है इस हॉनर प्ले में उस फीचर्स के बारे में और उन चीजों के बारे में जो इस अपडेट में मिस है जो कि होने चाहिए थे और कंपनी ने इस अपडेट में नहीं दिए हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले फीचर्स के बारे में जो EMUI 9 के अपडेट के बाद आपको मिला है, तो वो है डिजिटल बैलेंस। तो डिजिटल बैलेंस में होता क्या है कि इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली जितना आपने अपना टाइम यहाँ पे आप यूज किए हो अपने फ़ोन पे, यानी जितना टाइम आपने फ़ोन यूज किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी तक 3 घंटे 10 मिनट हमने फ़ोन को यूज किया है, तो उसमें क्या क्या हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो 1 घंटे YouTube 1 घंटे 39 मिनट, पबजी 55 मिनट, Facebook 26 मिनट और यहाँ पे है कि स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप इसे सेट कर लेते हो तो जैसे ही अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम यानी अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम 6 घंटे डाल देते हो तो जैसे ही आप फोन को 6 घंटे से ज्यादा यूज करोगे तो आपके उनमें वार्निंग आने लगेगी कि आपने फोन को ज्यादा यूज कर लिया है, आप इसे बंद कर दीजिए। और यहाँ पे स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट पिन भी आप सेट कर सकते हो, यूजेज हावर ऐप लिमिट, यहाँ पे बेड टाइम, आप सब इसको सेट कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर दिया गया है EMUI 9 में। तो अगर आप इसे नहीं भी यूज करना चाहे तो आप अपने जितना यूजेज है आप फोन पे कितना टाइम स्पेंड करते हो वो यहाँ पे आप नॉर्मली भी देख सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर दिया गया है जो EMUI 9 में आया है। उसके बाद दूसरा फीचर्स है, चूंकि ये फीचर्स आपको EMUI 8 पे भी मिल जा रहा था, वो है हाई विजन। और हाई विजन जो है वो काम करता है गूगल लेंस की तरह। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो आप उस प्रोडक्ट को अगर इसके सामने लाओगे तो वो उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ दे देगा, मतलब वो प्रोडक्ट क्या है और कैसा है या कोई कलर है जो भी है उससे रिलेटेड वो सारी जानकारी दे देगा। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हो तो आप उसका यहाँ पे परचेस भी कर सकते हो क्योंकि उसके नीचे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, आप उसका प्राइस भी देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने एक नॉर्मल दीवार का कलर है जो पिंक कलर है, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आने लगी और यहाँ पे देख सकते हो कि उसका प्राइस भी देने लगा कि सेल्फ डिजाइन वॉलपेपर, ये जो रिले क्योंकि इसने दीवार के कलर को मतलब यहाँ पे कैप्चर किया है तो वो कलर के हिसाब से वॉलपेपर मतलब यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया दिया गया है क्योंकि ये फीचर्स तो EMUI 8 में भी था। और उसके बाद से बात करें जो EMUI 9 के एक और फीचर्स के बारे में, तो ये है फुल स्क्रीन गेस्चर। आपको तो पता ही होगा कि EMUI 8 में यहाँ पे जब आप फुल स्क्रीन गेस्चर इनेबल करते थे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन मिल जाता था जिसके थ्रू ही आप बैक और रिसेंट कीज़ और स्वाइप कर सकते थे। लेकिन EMUI 9 में क्या किया गया है, इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे आप देख सकते हो फुल स्क्रीन गेस्चर दे दिया गया है, यानी इसके ये मतलब EMUI 8 से काफ़ी बढ़िया हो गया है जिसमें आपको कोई बटन वटन यहाँ पे नहीं मिला है, पूरा फुल स्क्रीन का यहाँ पे गेस्चर मिल रहा है। आप ऐसे स्वाइप करके बैक कर सकते हो, ऐसे स्वाइप करके डायरेक्ट होम पे आ सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे स्वाइप करके आप रिसेंट कीज में यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन कर सकते हो। तो ये फीचर्स EMUI 9 में काफ़ी इंप्रूव किया गया है और काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और उसके बाद से बात करें एक और फीचर की जो EMUI 8 में भी आपको मिल जाता था, वो है यहाँ पे शेयरिंग का, जो कि है UI शेयर। इसके थ्रू आप अपने फ़ोन को किसी भी अदर फोन से यहाँ पे आप शेयर कर, मतलब यहाँ पे अपने फ़ोन को UI शेयर का, अगर कोई अदर UI का फ़ोन यूज कर रहा है तो आप उसके थ्रू भी आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। यहाँ से आपने इस फ़ोन को वायरलेसली आप कंप्यूटर से कनेक्ट करा के डेटा को शेयर कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स लगा, चूँकि ये फीचर्स आपको EMUI 8 में भी मिल जाता था। और वायरलेस प्रोजेक्शन का भी एक फीचर है जो कि जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को कास्ट कर सकते हो PC में, लैपटॉप में या स्मार्ट TV में। और उसके बाद से एक और EMUI आपको 9 में एक फीचर्स मिला है, वो है ऐप क्लोन का। यानी ऐप क्लोन में ये होता है कि जैसे कि आप टूल्स में देख सकते हो फोन क्लोन, तो फोन क्लोन में ये होता है कि अगर आप अपने आपका अदर कोई UI का फोन है तो इसमें इसके थ्रू अगर आप फोन क्लोन के थ्रू अपने डेटा को शेयर करते हो, जो भी इमेजेस फाइल कॉन्टेक्स्ट हैं, तो इनके थ्रू आपके सारे डेटा काफ़ी जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे और मतलब स्पीड से ट्रांसफर होंगे अच्छी स्पीड के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो इसे ओपन करोगे तो इसमें दिस इज द ओल्ड फोन, दिस इज द न्यू फोन, तो इसके थ्रू आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तो हो गए स्पेशल फीचर्स जो हैं EMUI 9 और EMUI 8 के। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो इस अपडेट में होने चाहिए थे लेकिन मिस कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्ट वीडियो कॉल की। इस अपडेट में अभी भी आपको यहाँ पे
वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई भी अगर हम कॉल करते हैं तो जैसे हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये एक कंपनी को ये अपडेट में ये फीचर्स देना चाहिए था, क्योंकि वीडियो कॉल, डायरेक्ट वीडियो कॉल आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो ये अपडेट में ये फीचर्स नहीं दिया गया है। अब मे भी आने वाले कोई अपडेट में ये फीचर्स आपको मिल जाए, लेकिन कब तक मिलेगा कोई चांस यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कैमरे में से EIS सिस्टम को हटा दिया गया है, जो जिससे लोग काफ़ी मतलब ये कह रहे हैं कि ये कंपनी ने गलत किया, EIS नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि EIS से काफ़ी वीडियो अच्छी बनती थी, स्टेबल बनती थी, लेकिन इस कंपनी ने इस अपडेट में EIS को हटा दिया है। तो मे भी आने वाले अपडेट में ये भी आपको ये जो EIS और डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन है वो मिल जाए। तो कन्फर्म नहीं है किस अपडेट में मिलेगा और किस अपडेट में नहीं मिलेगा। अब हॉनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस अपडेट के अंदर ये जो मिस अपडेट हैं वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये थे कुछ स्पेशल फीचर्स जो EMUI 9 में थे और EMUI 8 में थे, क्योंकि इसमें से कुछ फीचर्स पहले भी आपने देखा होगा कि आपको मिले हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ नए फीचर जो EMUI 9 में आए हैं और कुछ मैंने उस फीचर्स के बारे में बताया जो EMUI 8 में थे, और उन फीचर्स के बारे में भी डिस्कस किया है जो इस अपडेट में मिसिंग थे, यानी होने तो चाहिए थे, कंपनी ने इस अपडेट में नहीं दिया है। मे भी आने वाले अपडेट में दे या कब तक आएगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। और उन यूजर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ जिन्हें अभी तक एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट नहीं मिला है, तो वो इस मंथ के एंड तक इंतजार करें, क्योंकि इस मंथ के एंड तक लगभग सभी हॉनर प्ले यूजर्स को एंड्रॉइड 9.0 का अपडेट यानी पाई का अपडेट मिल जाएगा। तो वो वेट कर सकते हैं इस महीने के एंड तक, क्योंकि धीरे धीरे अपडेट रोल आउट हो रहा है और सबको अपडेट लगभग मिल चुका है, कुछ लोग बाकी, उनको भी अपडेट इस महीने के एंड तक मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और वीडियो ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो हॉनर प्ले को यूज कर रहे हैं और अपने इस फोन को एंड्रॉइड 9.0 पाई में अपडेट कर चुके हैं। और जो मैंने इससे पहले दो वीडियो बनाई हुई है आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उन दो वीडियो जो एंड्रॉइड 9.0 से रिलेटेड है हॉनर प्ले के बारे में, आप उन्हें भी देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।